How to fix OnePlus 9R can't read notification problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिखिराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपके फ़ोन आपके नोटिफिकेशंस को रीड नहीं कर पा रहे तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। कोई भी एप्लीकेशन पे, मोबाइल पे या फिर किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशंस पे प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को फॉलो करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशंस का जो भी प्रॉब्लम है आप इस वीडियो के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसको कैसे फिक्स किया जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपको यहाँ पर उस ऐप को अपडेट करना होगा प्ले स्टोर की मदद से। ठीक है, प्ले स्टोर में आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपको मैसेजिंग का नोटिफिकेशन जो है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा मैसेज ऐप। तो जाके दोस्तों आप उस ऐप को भी अपडेट कर सकते हैं, कोई भी ऐप हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सेटिंग पर जाना है। तो आपको ये इंटरफेस मिलेगा, स्क्रॉल डाउन करके ऐप नोटिफिकेशन पर जाना है, सी ऑल ऐप्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए मैसेजिंग पर ही हम दोबारा से जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा मैसेजिंग। अभी दोस्तों नोटिफिकेशंस पर जाइए, सभी नोटिफिकेशंस को एक बार डिसेबल कर दीजिए, यहाँ पे डायरेक्टली डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल को रिस्टार्ट करें और इसको इनेबल करें। ठीक है, इनेबल करने के बाद दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है नोटिफिकेशन की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपका नोटिफिकेशन इनेबल होना चाहिए बाई एनी चांस। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आते हैं तो मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। ठीक है, मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट रहेगा तो इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू नहीं होगा। बाय एनी चांस अगर आपको प्रॉब्लम आती है दोबारा से तो आप जाइए दोस्तों यहाँ सेटिंग पर, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है एंड ऐप्स पर जाइए, सी ऑल ऐप्स पर क्लिक कीजिए। और उसके बाद दोबारा से आपको वही एप्लीकेशन पर जाना है, स्टोरेज पर क्लिक करना है, क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करके स्टोरेज को क्लियर कर देना है ओके करके। उसके बाद दोस्तों बैक कीजिए और मोबाइल को रिस्टार्ट करके देखिए, सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपके मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशंस रीड नहीं हो पा रहा है तो आप सिंपली इस सॉल्यूशन को फॉलो अप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।